हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग हटके है, पर आपके और हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबको पता है जिस तरह केंद्र सरकार के पास अपनी केंद्रीय पुलिस बल भी है, जिसमें आपका CISF हो गया, CRPF हो गया, BSF हो गया, ITBP हो गया, ये सब एक तरह के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये केंद्रीय पुलिस बल ही हैं जो केंद्र में गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। आप सबको पता है कि प्रत्येक राज्य के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए अलग अलग बल होते हैं, या अलग अलग बल नहीं, बल होता है जिसको पुलिस बल कहते हैं। और पुलिस बल के अभाव में आप किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। परंतु अभी जो मैं आपके लिए खबर लेके आया हूँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज है। संभवतः ये आपको निकट भविष्य में देखने के लिए जरूर मिलेगी। आप सबको पता है कि आप जिस भी स्टेट से संबंधित होते हैं, चाहे आप यूपी से संबंधित हैं, एमपी से संबंधित हैं, बिहार, राजस्थान, आप कोई भी स्टेट हुआ, जितने भी स्टेट हैं इंडिया के, उन सब स्टेट की अपनी एक पुलिस होती है, जिस पर उस राज्य सरकार का क्या रहता है, होल्ड रहता है, गृह मंत्रालय का होल्ड रहता है। परंतु अब ये एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि निकट भविष्य में आपको जल्दी ही, संभवतः जुलाई अगस्त के आसपास, गवर्नमेंट एक बिल लेकर आने वाली है और उस बिल का नाम होगा वन नेशन वन पुलिस। यानी कि अब आपकी जो ये यूपी पुलिस है, ये और आपकी एमपी पुलिस है, आपकी बिहार पुलिस है या अन्य राज्य पुलिस है, ये अब खत्म हो जाएगा और इनके स्थान पर आपका इंडियन पुलिस ये कहा जाएगा। आपका क्या कहा जाएगा? इंडियन पुलिस कहा जाएगा। इसका आधार क्या है, वह आधार भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं और पूरी खबर मैं आपको समझाने और सुनाने का प्रयास करता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर आप साइड में देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, ये न्यूज आर्टिकल जो है वो आज ही का है, यहां पर आप देख सकते हैं। और इस न्यूज आर्टिकल में क्या लिख रहा है कि केंद्र सरकार करने जा रही है पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव। क्या होगा कि वन नेशन वन पुलिस है ना, वन नेशन वन पुलिस कानून को लेके आने वाली है सरकार। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपके लिए पढ़ देता हूं। इसमें मतलब बोल रहे हैं कि भविष्य में अब डिफरेंट पुलिस स्टेट जो हैं, जहां पे जो अलग अलग स्टेट के हिसाब से पुलिस है, उन पुलिस की जगह अब इंडियन पुलिस आपका चालू होने वाला है, क्योंकि जुलाई में वन नेशन वन पुलिस का कानून लागू होने जा रहा है। जुलाई में यह कानून आपका लागू हो जाएगा, जिसके बाद पुलिस राज्यों की जगह भारतीय पुलिस कहलाएगी। पुलिस एक ऐसा विभाग है जिसकी जरूरत हमेशा रहती है, तमाम इन्होंने काम गिनाया है इसमें। और इसमें लिखा है कि ऐसे में पुलिस की भूमिका, जहां पे वो हर जगह काम में प्रवृत्त हो रही है, ऐसे में पुलिस की भूमिका समाज में हर जगह है। लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों के, है ना, ये आप देख सकते हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में पुलिस के लिए अलग अलग नियम है, अलग अलग रंगों की यूनिफॉर्म है। ऐसे में अब पुलिस विभाग में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बदलाव से कानून व्यवस्था में सुधार होगा, राजनीतिक हस्तक्षेप कम होगा और पुलिस बहुत स्वतंत्र ढंग से इसको काम में ले पाएगी। ठीक है, ये मतलब पूरी की पूरी बात इसमें लिखी जा रही है। और ये जानकारी जो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं भाजपा के जो नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने ये जानकारी मतलब दी है। ये मतलब बात की जा रही है कि जुलाई में ये उसको लागू करने जा रहे हैं। अब ये खबर आपके सामने निकल कर आई है, आपको पता है कि जो केंद्र में सरकार है, अगर वो कुछ सोचती है तो उसको मतलब वो इम्प्लीमेंट करना ही चाहती है। आपने देखा अभी होगा कि अग्निपथ की जो सेवा थी, अग्निपथ जो योजना थी, उसको सेना में उन लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो यदि ये वन पुलिस वन नेशन का कानून सोच रहे हैं, वन नेशन वन पुलिस, है ना, वन नेशन वन पुलिस, यानी पूरे देश में एक ही पुलिस होगी जिसको इंडियन पुलिस बोला जाएगा, और वन पुलिस इस कानून को अगर ये सोच रहे हैं तो पूरी उम्मीद है कि इसको लेके आएंगे। अब इसके कारण वास्तविकता में क्या हो सकते हैं, इसके राजनीतिक कारण ही इसमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बंगाल वगैरह का, तो हमको राजनीतिक कारण की तो बात ही क्या करें, क्योंकि क्या है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है तो वहां पे पुलिस का, पुलिस बल पे भी नियंत्रण ममता बनर्जी का ही है। तो उस चीज से बचने के लिए सरकार क्या कह रही है, हम तुम्हारे पास पुलिस छोड़ेंगे नहीं, हम पुलिस अपने पास रख लेंगे, ये सब स्टेट की पुलिस को खत्म करके हम एक इंडियन पुलिस बनाएंगे और उसका सीधा नियंत्रण गृह मंत्रालय के हाथ में होगा। पुलिस किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से ऊपर उठ जाएगी और स्वतंत्रता से वह काम करेगी। सिंगल ड्रेस होगी, एक ही तरह के नियम कायदे कानून होंगे हर राज्य की पुलिस के लिए, ऐसी बात बोली जा रही है। तो अब देखें, अब इसका अब देखो विरोध भी होना निश्चित है, क्योंकि
अब आप देखो जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है जिन जिन स्टेट्स में, तो वो स्टेट्स इसकी खिलाफत करेंगे क्योंकि उनके हाथ से पुलिस की पावर चली जाएगी और पुलिस की पावर अपने आप में बहुत बड़ी होती है, तो इसका विरोध भी बहुत जबरदस्त होगा। तो देखने में आएगा, गवर्नमेंट तो कह रही है कि जुलाई अगस्त तक हम इसको लेके आ जाएंगे, बट अब देखते हैं कि इसका विरोध कितना जबरदस्त होने वाला है और ये इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। पर अगर गवर्नमेंट सोच रही है तो कहीं ना कहीं इसमें होगा ही। अब आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है कि अब इसमें भर्तियां कैसे होंगी, सिलेक्शन कैसे होंगे, पोस्टिंग कहां मिलेगी, तो अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई ड्राफ्ट या इसकी जानकारी मिलेगी तो मैं आपको सूचित करूंगा। यदि आपको ये न्यूज बहुत अच्छी लगी है, ये जानकारी बहुत अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ में जितने भी लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस और हिंदी की तैयारी आप निःशुल्क रूप से रामजी की पाठशाला पर कर सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से रामजी की पाठशाला पर क्लासेस चल रही है, सुबह 9 बजे जीएस और दोपहर में 11:15 बजे या दोपहर के सुबह ही कह सकते हैं आपकी हिंदी क्लास चल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।